तो ग्वालियर के डबरा में धान की कीमत कम मिलने से किसानों में आक्रोश है। इस खबर पर हमने पूरी बात की है संवाददाता से भी। इधर हरिद्वार के कुशावर्त घाट सहित खासगी ट्रस्ट की सभी संपत्तियों का पुराना वैभव एक बार फिर लौटेगा। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि राज्य शासन कुशावर्त घाट सहित खासगी ट्रस्ट की सभी संपत्तियों को पुरानी स्थिति में वापस लाए। कहीं कोई निर्माण हुआ तो उसे भी हटाया जाए। खासगी ट्रस्ट को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सीएम शिवराज उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने बुलाई। बैठक में सीएम शिवराज ने खासगी ट्रस्ट की बेची गई संपत्ति की जांच ईओडब्ल्यू से करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन व्यक्तियों ने ट्रस्ट की संपत्ति अवैध रूप से बेची उन पर भी कार्रवाई को कहा। सीएम शिवराज ने साफ कहा कि ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इस कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज आयोजित हुई, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। आज जो इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा जो मां अहिल्या देवी की भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था, संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ होगी, राज्य सरकार उसकी लड़ाई लड़ रही थी। आज राज्य सरकार को विजय सिद्धि मिली है।